शुभिन, क्या हाल चाल है जी? बिल्कुल तैयारी हो रही है बहुत बढ़िया तरीके से। किस चीज की? ब्रह्मास्त्र की। सिर्फ 4 डेज टू गो। उसका एक नया 10 सेकंड का टीजर सा आया है और वो काफी एक्साइटिंग है। किस तरीके से VFX का इस्तेमाल हुआ है और स्पेसिफिकली जो पावर, एनर्जी, फायर जो शिवा के कैरेक्टर को मतलब एकदम गॉडली बना देती है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि किस तरीके से शिवा एज अ ह्यूमन तो नीचे पड़ा हुआ है जमीन के ऊपर, बट जैसे ही ये गॉडली पावर उसके अंदर आती है तो एक मिस्टिकल सा आपको फायर और एक थोड़ा सा पिंकिश कलर का आता है जो आपको बिल्कुल मिस्टिकल तरीके से पावर देती है। और उसके बाद जब वो खड़ा होता है तो आपको पता है कि फिर दुश्मन जो है इसके सामने नहीं टिक पाएंगे, यही ब्रह्मास्त्र को फिर इवेंचुअली प्रोटेक्ट करेगा शायद। तो बहुत अच्छे तरीके से दिखाया। आयन मुखर्जी के इसके नीचे कॉमेंट्स भी आए हैं कि हम चाहते हैं कि छोटे छोटे ग्लिम्स जो हैं पीपल शुड एक्सपीरियंस देम इन 3D एंड दैट्स अ रीजन दे आर वेरी एक्साइटेड टू शेयर इट, बट दैट डजंट मीन दैट दिस इज द एंड ऑफ इट। द मूवी हैज मेनी मोर थिंग्स टू टेल यू एंड शोकेस इट टू यू, सो डोंट वरी, दीज 10 सेकेंड्स क्लिप विल नॉट स्पॉइल इट, वी आर वेरी श्योर वॉट वी आर डूइंग। तो ये देख के बड़ी इश्योरेंस मिलती है क्योंकि नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग ये भी बोलते जा रहे थे कि यार 10 सेकेंड का ये बताने के बाद तो मूवी पूरी डिस्क्लोज हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मतलब चिल मारो, शांति रखो। और बहुत अच्छे तरीके से इसकी एडवांस बुकिंग भी जारी है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ओवर 6.5 करोड़ रुपए की जो एडवांस बुकिंग है इसकी हो चुकी है, तो इट इज गोइंग ग्रेट गन्स। और अगर ये डबल डिजिट के ऊपर भी पार कर जाती है तो हम यह बोल सकते हैं कि 25 से 30 करोड़ रुपए का डे वन का इसका कलेक्शन होगा। तो काफी अच्छे तरीके से ये स्टेज है। अभी बहुत सी जगहों पे इसका जो साउथ लैंग्वेज का वर्जन है वो खुला नहीं है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, ये सब खुला नहीं है। जिस दिन ये खुल जाएगा उस दिन यू कैन इमेजिन कि काफी अच्छे तरीके से वहाँ भी रिस्पांस मिलेगा जैसे हिंदी बेल्ट में मिल रहा है। और इसका जो हिंदी बेल्ट का जो रिस्पांस है, ज़्यादा जो लोग कनेक्ट कर रहे हैं और ज़्यादा लोग जो टिकटें खरीद रहे हैं वो 3D वर्जन के ले रहे हैं या IMAX 3D के ले रहे हैं, क्योंकि इसकी टिकटें बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम 300 रुपीज़ में आपको टिकट्स मिल रहे हैं। कुछ कुछ जगह पर ऑब्वियसली अब नॉर्मली हाई होंगी, एक एक जगह पर तो मैंने 1000-1000 रुपये भी देखी, बट किसी किसी जगह पर मैंने 180, 190, 150 रुपये भी देखी। मैंने खुद ने 180 रुपये की टिकट बुक, 190 रुपये की टिकट बुक कराई है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। कमिंग बैक टू दिस टीजर, इट इज एक्साइटिंग फॉर श्योर, बिकॉज जो मेन कैरेक्टर है शिवा का उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं दिया गया। अब एक और बात करनी यहाँ पर जरूरी है, उमेर संधू करके कोई इंसान है जो ये बोल रहा है कि जी मैंने मूवी भी देख ली। पहले तो वो मूवी देखने के रिव्यू कैसे कर लेता है पता नहीं, क्योंकि आज सुबह का क्लेम है इसका अयान मुखर्जी का कि जी अब तो मैंने फाइनल कट पूरा किया है। जब उसने पूरा कट ही आज किया है तो ये भाई साहब उमेर संधू ने देख कैसे ली? ये कुछ लोग हैं जो इंडिया से बाहर जाके बैठे बैठ गए हैं और उसके बाद वहां पर डिस्प्यूट्स क्रिएट करने के लिए कुछ इधर उधर के ट्वीट्स मान लेते हैं, और जो जनता जनार्दन है वो बेचारी इनोसेंट होती है, उसको लगता है कि जो भी डिजिटल पे लिख दिया गया वो सही है, जिसकी वजह से ये सब बॉयकॉट ट्रेंड्स वगैरह भी शुरू हुए हैं। डोंट बिलीव व्हाट इज कमिंग ऑन टू योर फेस। सेम चीज इस उमर संधू के बच्चे ने ये भी करी है कि अगर आप इसके ट्वीट्स पढ़ेंगे जाके, तो इसने बोला कि कभी ईद कभी दिवाली का जो नया आया है किसी का भाई जो भी नया टाइटल है, इसमें जाके आप देखेंगे तो उसने बोला कि बड़ी ब्लॉकबस्टर फर्स्ट लुक है, और आज जब लुक लॉन्च हो गया तो बोला कि बड़ा ही थर्ड क्लास है। सेम ही बंदा सेम ही हैंडल में अलग अलग बातें बोल रहा है, तो आप समझ सकते हो कितना दोगला होगा। और ऐसे बहुत सारे हैं, मिस्टर टीका भी हैं, वो सब नेगेटिव बातें करते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हु यू ट्रस्ट नाउ, ओके? जस्ट ट्रस्ट योर ओन सेंसिबिलिटी, डोंट ट्रस्ट एनीबडी एल्स, जस्ट सी, कंज्यूम इट, एंड आफ्टर कंज्यूमिंग इट वट एवर यू फील इज द राइट थिंग अबाउट इट। चलो फिर जल्दी मिलते हैं एक और रिव्यू और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।